A very warm good afternoon to all the attendees. Thank you so much for joining us today. We are just about to start our session. As I can see, few people are still joining in. So we'll wait for another minute or two and then we will start the session. Dear attendees, we are just about to start our session. I can see people are still joining in. Let's wait for one more minute and then we will start the session. Do not worry, I'm already available here. I'm just waiting for a few more audience to join in so that we can start the session smoothly. Thank you very much everyone for joining us. Let's start our session now. In this session, I will be explaining you how you can become a seller on Flipkart. आज के session में हम जानेंगे कि आप Flipkart पर किस तरह से seller बनके अपने products sell कर सकते हैं.
So let's begin our session for the day. Before moving ahead, allow me to introduce myself. My name is Ria, and I'm your host for the day. I'll be explaining you aaj ka session mein hum kis tarah se Flipkart par register karke seller ban sakte hain aur apne product sell karna shuru kar sakte hain pan India level par. ये सेशन स्टार्ट करने से पहले हम जानना चाहेंगे, क्या आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है और स्क्रीन दिखाई दे रहा है? अगर आपको ब्लू स्क्रीन दिख रहा है और मेरी आवाज आ रही है, तो आप प्लीज, आपके स्क्रीन पर एक पोल होगा, उस पोल को एड्रेस करके अपना जवाब हमें भेजें. पोल आप सभी के स्क्रीन पर विजिबल है. मैं सभी अटेंडी से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अपने रिस्पॉन्सेस हमें भेजें. अगर आपको स्क्रीन दिख रहा है और मेरी आवाज आ रही है, तो प्लीज यस पर क्लिक करें. अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, तो आप नो पर क्लिक करके हमें अपडेट दें. थैंक यू वेरी मच एवरी वन. एज आई कैन सी, ज्यादातर अटेंडीज को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पर दो तीन लोग हैं जिन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है. मैंने बैकग्राउंड में जस्ट अभी टूल चेक किया है, टूल के एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई थिंक शायद आपको थोड़ी नेटवर्क इशू हो रही होगी. आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप एक बार नेटवर्क जरूर चेक कर लें, और अगर नेटवर्क इशू है तो आप इस सेशन पे दोबारा लॉग इन कर सकते हैं. Mr. Sandeep Sharma, if you have already onboarded as a seller, then this session will not be very helpful for you, because we are only going to discuss about the onboarding process. If you want to know further, you will have to attend another webinars. Request you to please reach out to our seller support team. Anybody who's already onboarded as a seller on Flipkart, I would recommend you to please reach out to seller support team. This session is only for sellers who are yet to onboard on Flipkart. आज का सेशन सिर्फ उन्हीं सेलर्स के लिए है जिन्होंने अभी तक फ्लिपकार्ट पर ऑनबोर्ड करके सेलर नहीं बने हैं. तो चलिए आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आप किस तरह से अपने फ्लिपकार्ट पर सेलर बन सकते हैं. तो आइए समझते हैं फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर कैसे किया जाए. फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर करने के लिए आपको तीन बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं. पहला, आपको seller.flipkart.com पर जाकर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा. दूसरा स्टेप है, आपको अपना फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और अपना पिकअप एड्रेस वेरीफाई कराना होगा. तीसरे स्टेप में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और एक प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे. जब आप ये तीनों स्टेप कंप्लीट कर लेंगे, तो आप फ्लिपकार्ट पर सेलर बन जाएंगे. आइए इन तीनों स्टेप्स को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि किस तरह से आप फ्लिपकार्ट पर ऑनबोर्ड होकर सेलर बन सकते हैं. जब आप seller.flipkart.com पेज पर जाते हैं, तो आपको ये ज्वाइन अस नाउ का एक बॉक्स दिखेगा. इसमें अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर एंटर करें और रजिस्टर नाउ पर क्लिक करें. जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पेज पर क्लिक करेंगे, ये आपको दूसरे पेज पर लेके जाएगा जिसका नाम है क्रिएट योर सेलर अकाउंट. यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर एंटर करना है. मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप ये सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करेंगे.
जैसे ही आप सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करते हैं, एक दूसरा बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें आपको अपना ओटीपी नंबर डालना होगा। उसके बाद आप अपना पूरा नाम और एक पासवर्ड एंटर करके साइन अप पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करेंगे, आपका सेलर अकाउंट ओपन हो जाएगा और ये आपको दूसरे पेज पर लेकर जाएगा जिसका नाम है गिव योर पिकअप एड्रेस। यहाँ पे आपको अपना पिन कोड लोकेशन एंटर करना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं, आपको ये ग्रीन टिक और ये कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज मिलना चाहिए। अगर आपको ये ग्रीन टिक और कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज मिलता है, इसका मतलब है कि आपका पिकअप लोकेशन जो है हमारे सर्विसेबल एरिया लिस्ट में आता है और आप अपना पूरा एड्रेस एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। अगर बाय चांस आपको ये ग्रीन टिक और कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज अगर नहीं मिलता है, इसका मतलब है कि आपका जो पिन कोड है करेंटली हमारे सर्विसेबल एरिया लिस्ट में नहीं है। पर आप चिंता ना करें, आप सेलर सपोर्ट टीम को एक रिक्वेस्ट रख सकते हैं और हम आपका पिन कोड जो है प्रायोरिटाइज करके उसको जल्द से जल्द सर्विसेबल एरिया लिस्ट में डालेंगे, क्योंकि हम बहुत फ्रीक्वेंटली नए नए पिन कोड लोकेशंस जो है उसे ऐड करते रहते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम आपके एरिया को प्रायोरिटाइज करेंगे। या फिर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव पिन कोड लोकेशन है जहां से आप अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं, तो आप ऑल्टरनेटिव पिन कोड भी सबमिट कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शंस आपके पास रहेंगे अगर आपका एग्जिस्टिंग पिन कोड लोकेशन सर्विसेबल नहीं है। तो अगर आपको ग्रीन टिक मिलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज मिलता है, तो आप अपना एड्रेस एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, आपको दूसरे पेज पर ले जाया जाता है गिव योर बिजनेस डिटेल्स। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखते हैं। आई हैव GSTN, आई विल ओनली सेल इन GSTN exempt कैटेगरीज लाइक बुक्स, एंड आई हैव अप्लाइड और विल अप्लाई फॉर GSTN। ये तीन ऑप्शन है। पहला, अगर आपके पास GSTN नंबर है तो आप पहले ऑप्शन पे क्लिक करें, अपना GSTN नंबर डालें और वेरीफाई पर क्लिक करें। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं, आपकी सारी बिजनेस डिटेल्स जो है गवर्नमेंट पोर्टल से ले ली जाती है, क्योंकि जब आपने रजिस्टर किया था GSTN के लिए तो आपने गवर्नमेंट पोर्टल में अपने बिजनेस डिटेल्स सबमिट किए थे। तो वो बिजनेस डिटेल्स आपको दोबारा मैन्युअली फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सारी गवर्नमेंट पोर्टल से डायरेक्टली फेच कर ली जाएगी। तो आपको सिर्फ अपना नंबर एंटर करना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है, गवर्नमेंट पोर्टल से हम खुद ही वेरीफाई कर लेंगे। गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आपके पास रेगुलर GSTN होना चाहिए। अगर आपके पास कॉम्पोजिट GSTN है तो उससे आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट नॉर्म है। इसके लिए अगर आप कॉम्पोजिट GSTN है तो आप उसे रेगुलर GSTN में कन्वर्ट करवा लीजिए और फिर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉम्पोजिट GSTN है और आप चाहते हैं कि आपको मदद चाहिए उसे रेगुलर GSTN में कन्वर्ट करने के लिए, तो या तो आप हमारे पार्टनर क्लियर टैक्स की मदद से ये कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली गवर्नमेंट पोर्टल पर जाकर भी रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप GSTN के लिए अप्लाई भी करना चाहते हैं, तो या तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट पोर्टल पर जाकर अप्लाई कीजिए या हमारे पार्टनर क्लियर टैक्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो GSTN नंबर और सिग्नेचर जो आप सबमिट करेंगे, ये जब आपसे कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो उस बायर को इनवॉइस दिया जाता है, उस इनवॉइस में आपका GSTN नंबर और सिग्नेचर डालना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है तो गवर्नमेंट टर्म के हिसाब से। तो जब आप प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपके इनवॉइस में ये GSTN नंबर और सिग्नेचर सबमिट होगा। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे किताबें एक लौता कैटेगरी है
जो जिसके लिए जीएसटीआईएन की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ वो ही एक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है। आप किताबों के अलावा कोई भी और चीज सेल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको जीएसटीआईएन रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। तो अगर आपके पास जीएसटीआईएन नंबर है तो पहला ऑप्शन पे क्लिक करके जीएसटीआईएन नंबर एंटर करें। अगर आप सिर्फ किताबें बेचना चाहते हैं तो सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करके आप सिर्फ किताबें सेल कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप जीएसटीआईएन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या आपने अप्लाई किया हुआ है तो आप थर्ड ऑप्शन क्लिक करके उसे कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। हम आपको ये पूरा प्रोसेस डिटेल में समझाना चाहते हैं, इसीलिए मैं सेकंड ऑप्शन चूज करती हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए मैन्युअली ये प्रोसेस कैसे होता है। तो अगर आपके पास जीएसटीआईएन नंबर Apologies everyone, I got disconnected due to disruption in my network. There was a slight issue with the power cut. I hope I'm audible and visible to everyone. If my screen is visible and my voice is audible to you, please raise a hand and give me an update. Okay. All right. Thank you very much. I can see a lot of hands being raised here. So we'll continue with the session. All right. Thank you very much. तो चलिए आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि किस तरह से आपको मैन्युअली सारी चीजें फिल करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको अपना बिजनेस डिटेल्स देना होगा। यहाँ पे आप अपना बिजनेस का नाम, पैन नंबर, आपको अपना बिजनेस टाइप चूज करना होगा कि आप सोल प्रोप्राइटर हैं, आप पार्टनरशिप बिजनेस पे हैं, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो वो बिजनेस डिटेल आपको देना होगा। उसके बाद आता है बिजनेस एड्रेस। तो यहाँ आप अपने बिजनेस का पूरा एड्रेस एंटर करेंगे। ये सारी डिटेल्स जो है आपको मैन्युअली फिल करनी होगी अगर आप सिर्फ किताबें बेच रहे हैं या फिर आपने जीएसटीएन के लिए अप्लाई किया है या करना चाहते हैं, तो आपको ये सारी डिटेल्स जो है मैन्युअली फिल करनी होगी। अगर आपके पास जीएसटीएन नंबर होता तो ये सारी डिटेल्स आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट पोर्टल से ले लिया जाता। इसके बाद आता है एड्रेस प्रूफ। तो आपको अपना एक एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा जो कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, आप उसे यहाँ अपलोड करेंगे। इसके बाद आपको अपनी सिग्नेचर अपलोड करनी पड़ेगी। सिग्नेचर अपलोड करने के दो तरीके हैं। पहला है आई वॉन्ट टू ड्रॉ माई सिग्नेचर ऑन स्क्रीन, यानी आप स्क्रीन पर अपना सिग्नेचर खुद डिजिटली ड्रॉ करना चाहते हैं। दूसरा है आई वॉन्ट टू अपलोड एन इमेज ऑफ माई सिग्नेचर, यानी आप अपने सिग्नेचर की एक फोटो अपलोड करना चाहते हैं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। सिग्नेचर अगर आपको ड्रॉ करना है तो आपको यहाँ स्क्रीन पर क्लिक करना होगा
और आपको स्क्रीन पर माउस या टचपैड के थ्रू अपना सिग्नेचर ड्रॉ करना होगा और कंफर्म बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे, आपका सिग्नेचर सबमिट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, आप एक ब्लैंक व्हाइट शीट लें, उस पे अपना सिग्नेचर बनाएं और उस सिग्नेचर की फोटो लें। फोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और फोटो में आपकी पूरी सिग्नेचर कॉपी होनी चाहिए। इस फोटो को आप सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ये आपको दूसरे पेज पर ले जाता है जिसमें आपको बताना होगा अपना बैंक डिटेल्स। पेज का नाम है गिव योर बैंक डिटेल्स। यहाँ हम आपसे बैंक डिटेल्स इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि जब आप Flipkart.com पर प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर देंगे तो उस समय आपको पेमेंट Flipkart के थ्रू आपके बैंक अकाउंट पर मिलती है। इसीलिए ये बैंक अकाउंट डिटेल्स देना जरूरी होता है, तभी आप Flipkart पर प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे और Flipkart आपको आपके पेमेंट जो है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। इसीलिए आपको ये बैंक अकाउंट डिटेल्स देना जरूरी है। बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है आपके रजिस्टर्ड बिजनेस नेम पर ही होना चाहिए। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो सिर्फ उस केस में आप अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है वो सेविंग बैंक अकाउंट के दे सकते हैं। पर अगर आपका कोई और बिजनेस टाइप है तो आपको अपना बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड बिजनेस नेम पर ही देना होगा। अपना बैंक अकाउंट होल्डर्स नेम और बैंक अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और इसके साथ साथ आपको एक कैंसल चेक की कॉपी भी देनी होगी। ये कैंसल चेक अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो सेविंग बैंक अकाउंट का दे सकते हैं। अगर आपका कोई और बिजनेस टाइप है तो आपका कैंसल चेक आपके रजिस्टर्ड बिजनेस नेम पर ही होना चाहिए। आपका रजिस्टर्ड बिजनेस नेम जो है उस चेक में प्रिंटेड होना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा चेकबुक नहीं है तो आप अपने बैंक से रिक्वेस्ट करके एक पर्सनलाइज चेकबुक प्रिंट करवा सकते हैं जिसमें आपका रजिस्टर्ड बिजनेस नेम लिखा हुआ हो। एक चेकलीफ लेकर आपको उस पे कैंसिल लिखकर वो सबमिट करना होगा बैंक वेरिफिकेशन के लिए। ये बैंक डिटेल सबमिट करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको डैशबोर्ड फीड दिखेगा। इससे आपको अपना अकाउंट कंप्लीशन स्टेटस दिखेगा कि आपका अकाउंट कितना कंप्लीट हो चुका है। ये अकाउंट जब तक 100% कंप्लीट नहीं होगा, आप अपने प्रोडक्ट्स जो है फ्लिपकार्ट पर सेल नहीं कर पाएंगे, आप सेलर नहीं बन पाएंगे। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि सारी डिटेल्स जो है वो आप सबमिट करके उसे कंप्लीट कर दें। जहां भी आपको ग्रीन टिक दिखता है उसका मतलब है वो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। ऑरेंज टिक का मतलब है वो वेरिफिकेशन अभी तक पेंडिंग है। ग्रे टिक का मतलब है ये डिटेल्स अभी तक सबमिट नहीं हुई हैं। तो जब तक सारी डिटेल सबमिट होकर वेरीफाई नहीं हो जाती, आप Flipkart.com पर अपने प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये सारे डिटेल्स जो है ये आपको सबमिट करना बहुत जरूरी है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स या डिटेल्स आपने सबमिट नहीं की थी, आपको दोबारा सबमिट करने का मौका मिलेगा। आप वो डिटेल सबमिट करके उसे वेरीफाई जरूर करवा लें। क्योंकि फ्लिपकार्ट एक वर्चुअल मार्केट प्लेस है तो इस मार्केट प्लेस में आपको अपनी स्टोर भी ओपन करनी होगी। स्टोर ओपन करने के लिए आपको एक स्टोर डिस्प्ले नेम चाहिए और एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखना होगा कि आपका स्टोर क्या है, आप इसमें क्या सेल करते हैं और किन चीजों से डील करते हैं। तो आप एक स्टोर नेम डिस्प्ले नेम एंटर करेंगे, छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और इसे सबमिट करेंगे। ये डिटेल सेव करने के बाद आप अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करना शुरू कर सकते हैं। प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए आपको एक सेपरेट ट्रेनिंग दी जाती है जिससे आपको समझ आएगा कि आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट पर लिस्ट करके उसे सेल करना शुरू कर सकते हैं। जस्ट एक रिमाइंडर, जब आप अपने बिजनेस डिटेल्स एंटर करते हैं तो अपना GSTN नंबर वेरीफाई कराएं,
सिग्नेचर अपलोड करें और उसे सेव कर दें। बैंक डिटेल सबमिट करते समय अपना बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी नंबर और कैंसिल चेकबुक अपलोड करके सारी डिटेल सेव कर दें। अब आपके कोई सवाल हैं ऑनबोर्डिंग प्रोसेस से रिलेटेड तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज अपने क्वेश्चंस हमें Q&A बॉक्स पर भेजें, आपके सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे। ये क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक छोटा सा फीडबैक भी लेना चाहते हैं ये जानने के लिए कि आपको आज का प्रेजेंटेशन कैसा लगा। इस छोटे से पोल के बाद हम क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट करेंगे। पोल आपकी स्क्रीन पर अभी विजिबल है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज इस पोल को एड्रेस करके अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड फीडबैक एवरीवन। आइए हम आज का क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने क्वेश्चन हमें भेजें। Anonymous attendee, your question is not very clear. How can we book the product which are only available in flash sale? Are you talking from customer's perspective here? Please elaborate your question a little more. Next question is by Mr. Yash Mamoria. Your question is, मेरा offline business है, वो same business Flipkart पे online ला रहा हूँ, तो GST से काम हो जाएगा? जी बिल्कुल, आपको GST regular होना चाहिए। जो points मैंने आज आपको समझाए हैं session में, वो सारे points को ध्यान में रखते हुए आप onboarding process complete कर सकते हैं। Mr. Suraj Narayan, if the joint account that you're talking about is a business account, then yes, you can use it, otherwise not. Anonymous attendee, your question is, if my firm type is sole proprietorship, do I need a bank account on my firm name or I can use saving bank account? You can use your saving bank account also. Raj Rayani, your question is, how to learn listing process? Mr. Raj, we do a separate session once you complete your onboarding process. We explain you how to list your product.
OPPO F11 प्रोफेसर, आपका क्वेश्चन है जीएसटी नहीं है तो क्या करें? आप बिना जीएसटी के सिर्फ किताबें बेच सकते हैं। अगर आप किताबें बेचना चाहते हैं तो आप प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप कुछ और बेचना चाहते हैं तो आप जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। OPPO A5 आपका सवाल है, कैन वी सेल नॉन ब्रांडेड क्लोथ्स? यस यू कैन। प्रशांत राठौर, योर क्वेश्चन इज हाउ मच चार्ज आई नीड टू पे फॉर शिपिंग? मिस्टर प्रशांत, यू डोंट हैव टू पे शिपिंग चार्जेस, इट इज अप टू यू। सो शिपिंग चार्जेस इज एन ऑप्शन वेयर यू कैन चार्ज द कस्टमर ऑल्सो, और यू कैन पे इट योर सेल्फ, यू कैन चूज वॉट यू वॉन्ट टू डू। बट देर आर अदर फीस एज कमीशन फीस एंड सम फिक्स फीस और मार्केट प्लेस फीस विच इज टेकन बाय फ्लिपकार्ट। दैट इज वेरी नॉमिनल अमाउंट डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट कैटेगरी एंड योर प्रोडक्ट प्राइस ब्रैकेट। वी डिसाइड वॉट विल बी द कमीशन चार्ज फॉर योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। दोज डिटेल्स कैन बी चेक्ड इन रेट कार्ड सेक्शन अलॉटेड टू एवरी सेलर वंस दे ऑन बोर्ड ऑन फ्लिपकार्ट। सो यू कैन आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑन बोर्डिंग प्रोसेस यू कैन गो हैड एंड चेक द रेट कार्ड सेक्शन, देन डिसाइड वॉट प्राइस यू वॉन्ट टू कीप फॉर द प्रोडक्ट। मिस्टर सूरज नारायण, योर क्वेश्चन इज हाउ डू आई मेक अ बिल एज आई सी वेन वी गेट एन ऑर्डर डिलीवर्ड ऑल बिल्स आर इन सेम फॉर्मेट एंड सेम पेपर, हाउ डू आई पैक आइटम्स एज आई सी पैकेट्स आर इन द सेम पैकेजिंग? वेरी गुड क्वेश्चन मिस्टर सूरज। सो इनवॉइस इज समथिंग और बिल इज समथिंग दैट यू डोंट हैव टू क्रिएट। आवर सिस्टम हैज अ प्रोसेस, वंस यू प्रोसेस योर ऑर्डर द इनवॉइस विल गेट डाउनलोडेड ऑटोमेटिकली इन योर सिस्टम। यू जस्ट हैव टेक अ प्रिंट आउट एंड प्लेस इट इन योर ऑर्डर बिफोर पैकिंग इट। फॉर पैकिंग, इफ योर प्रोडक्ट हैज अ प्राइमरी पैकेजिंग मटीरियल, द सेकेंडरी पैकेजिंग यू विल हैव टू यूज ऑफ फ्लिपकार्ट ब्रांडिंग। सो फ्लिपकार्ट ब्रांडिंग पैकेजिंग मटीरियल कैन बी परचेज्ड ऑन फ्लिपकार्ट पोर्टल इन इटसेल्फ। राहुल तोरने, योर क्वेश्चन इज हाउ PTO क्रिएट अ प्रोडक्ट लिस्ट? ओके, हाउ टू क्रिएट अ प्रोडक्ट लिस्ट? ओके मिस्टर राहुल, अगेन द सेशन इज ओनली अबाउट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। इफ यू वॉन्ट टू नो हाउ टू लिस्ट अ प्रोडक्ट यू विल हैव टू अटेंड अ रेलिवेंट वेबिनार। आई विल रेकमेंड यू टू रीच आउट टू सेलर सपोर्ट टीम एंड टेक एन अपडेट फ्रॉम देम। Anonymous attendee, your question is please share the link of webinar for how to list the product. This invite is sent to sellers who have already onboarded on Flipkart. If you are yet to onboard as a seller, I would recommend you to complete your onboarding process first. ज्योति थापा, योर क्वेश्चन इज प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं कर पा रही हूँ उसके बारे में बताएंगी? ओके ज्योति, अगेन मैंने सेशन के शुरू में ही बताया था, अगर आप फ्लिपकार्ट पर ऑलरेडी सेलर हैं तो आज का सेशन जो है ये सिर्फ उन सेलर्स के लिए है जो फ्लिपकार्ट पे ऑनबोर्ड होना चाहते हैं। लिस्टिंग का अलग सेशन होता है। मैं ये आंसर सभी उन सेलर्स के लिए बोल रही हूँ जिन्होंने ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लिस्टिंग कैसे करें ये जानना चाहते हैं या कोई और टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जानना चाहते हैं तो प्लीज सेलर सपोर्ट टीम को एक रिक्वेस्ट रेज करें, वो आपको जॉइनिंग लिंक सेंड कर देंगे या आपको हेल्प कर देंगे। सायन नोंदल, योर क्वेश्चन इज आई हैव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन पार्टनरशिप, देन आई विल नीड टू अपलोड बोथ पार्टनर सिग्नेचर एंड एनी वन विल वर्क? मिस्टर साइन मोंदल, यू कैन शेयर योर सिग्नेचर। मिस्टर राहुल तोरने, एज आई जस्ट सेड दिस सेशन इज ओनली अबाउट हाउ टू ऑनबोर्ड एज अ सेलर। फॉर लिस्टिंग प्लीज रीच आउट टू सेलर सपोर्ट टीम, दे विल गिव यू जॉइनिंग लिंक और दे विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू अटेंड अ लिस्टिंग वेबिनार।
Danish, your question is, how do I know my GSTIN is regular or not? Mr. Danish, you can go and check in government portal also. Arushi Jain, where can we get the information for forward shipping and reverse shipping charges on Flipkart? There is a section called rate card in your payments tab. You can go and check there. Pooja Bharti, your question is, I'm a housewife. Can I sell products from home which I can buy from wholesale? Yes, Pooja, you can do that. We'll be really glad to have you on board. Raj Rayani, your question is, I'm unable to list my product under my own brand which I am going to launch. Mr. Raj Rayani, first you'll have to launch your brand, then only you'll be able to list it under your brand, right? So first do the launching process and then you can go ahead and, or else if you need any help with how to list your product, then you will have to reach out to our seller support team and join us for a listing webinar. Mr. Yash Mamodia, आपका question है, मेरा offline business है, हमें same business. Okay, sir, ये question मैंने already answer कर दिया है. Raksha, this process is for B2C. रेडमी, आपका क्वेश्चन है कि आप रिटर्न पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं. रिटर्न पॉलिसी डिपेंड करता है प्रोडक्ट कैटेगरी टू कैटेगरी. आई एम नॉट श्योर आप कौन सी कैटेगरी में डील करना चाहते हैं. फ्लिपकार्ट में हजारों प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पहले ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद अपने पर्टिकुलर कैटेगरी की इंक्वायरी जो है आप सेलर सपोर्ट टीम के साथ कर सकते हैं. Anonymous attendee, आपका सवाल है, सेल रियल गोल्ड डायमंड ज्वेलरी? यस, यू कैन सेल रियल गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी ऑल्सो. अगेन अनोनमस अटेंडी, द प्रॉफिट मार्जिन इज समथिंग दैट यू कैन डिसाइड. देर आर सर्टन कॉस्ट बाय फ्लिपकार्ट लाइक कमीशन फीस एंड सम फिक्स्ड फीस. These marketplace fees depends upon from product category to category, it differs. So you will have to onboard as a seller first and then go to rate card section and check for these charges and then decide your profit margin. Mohammad Sajid ji, your question is, product listing ka webinar ko kaise subscribe kare, uska link ho to सेंड करिए. एक महीने से मेरी जेनरिक प्रोडक्ट की लिस्टिंग नहीं हो रही है. मिस्टर मोहम्मद साजिद जी, मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताती हूँ. आप सेलर लर्निंग सेंटर पे जाके वेबिनार इवेंट सर्च कर सकते हैं, या फिर आप सेलर सपोर्ट टीम को रीच आउट करें. अगर आपको इनवाइट नहीं आया है अभी तक, तो आप सेलर सपोर्ट टीम को रीच आउट करें, वो आपको गाइड करेंगे कि या आपको उसकी ज्वाइनिंग लिंक दे देंगे. ज्योति थापा, आपका क्वेश्चन है, प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए ब्रांड मार्क लेना जरूरी कंपलसरी है क्या?
जी, ब्रांड ऑथराइजेशन, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट ब्रांड ऑथराइजेशन। अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपको उस ब्रांड से ऑथराइजेशन लेटर लेना होगा कि आप उनका प्रोडक्ट flipkart.com पर सेल करना चाहते हैं। अदरवाइज अगर नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो आप उसे डायरेक्टली लिस्ट कर सकते हैं। प्रीति पंडित, हेलो, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस प्रीति? अजय राजपूत, एक अकाउंट का एक ही पिकअप एड्रेस होता है। आपको सेलर सपोर्ट टीम को रीच आउट करना होगा अगर आप एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं। रक्षा जैन, इफ यू आर लुकिंग फॉर B2B प्लेटफॉर्म, आई वुड रेकमेंड यू टू रीच आउट टू आर सेलर सपोर्ट टीम, दे विल गिव यू अ गाइडेंस रिगार्डिंग द सेम। प्रियंका निषाद, योर क्वेश्चन इज, आई ऑलरेडी सबमिटेड सैम्पल अमाउंट बट फ्लिपकार्ट नॉट वेरीफाइड टिल नाउ, आई वॉन्ट टू सेल माई प्रोडक्ट। प्रियंका, हैव यू एंटर्ड द एग्जैक्ट अमाउंट दैट यू हैव रिसीव फ्रॉम फ्लिपकार्ट? इफ इट इज फॉर एग्जाम्पल, इफ द अमाउंट वॉज 2 रुपी 46 पैसा, देन द एग्जैक्ट अमाउंट यू हैव टू एंटर फॉर वेरिफिकेशन। पूजा भारती, योर क्वेश्चन इज, विच काइंड ऑफ सेलर आई विल बी इफ आई विल सेल फ्रॉम होम एज हाउस वाइफ? पूजा, यू विल बी अ नॉर्मल सेलर लाइक एवरी वन एल्स। देर आर मैनी सेलर्स हु सेल फ्रॉम होम। सूरज खैरे, योर क्वेश्चन इज, फॉर होम मेड चॉकलेट सेलिंग इज नेसेसरी अ GSTN नंबर? यस सूरज, इट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एज पर गवर्नमेंट। Anonymous attendee, your question is, if I purchase good for wholesale, that time I required GST number? Yes, you still need a GST number. Vaibhav Kumar, your question is, I have registered on Flipkart seller account. I want to upload my products. So where to get the session? Again, I have already answered. Please reach out to seller support team. I would request everyone, please do not copy paste the same question again and again. I will try to answer unique questions so that more and more questions are answered. And in the end, we will be sending you the recording link of the session as well. सिद्दीकी हॉक, यस यू कैन सेल मल्टीपल प्रोडक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक क्लोदिंग इन द सेम GST नंबर। कल्पना चातुर, योर क्वेश्चन इज, आफ्टर वी ऐड प्रोडक्ट्स व्हाट ऑल थिंग्स वी नीड टू फुलफिल, लाइक व्हाट आर द गाइडलाइंस टू फुलफिल इट? कल्पना, ऑल दीज डिटेल्स विल बी एक्सप्लेन टू यू इन लिस्टिंग वेबिनार। अजय राजपूत, योर क्वेश्चन इज, मीन्स जो हमें रजिस्टर किया था उससे अलग एड्रेस? मिस्टर अजय राजपूत, जी नहीं, आप एक एड्रेस से ही कर सकते हैं। अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो आप सेलर सपोर्ट टीम को रीच आउट करके चेंज करवा सकते हैं। शुभम चौधरी, योर क्वेश्चन इज, आई वांट टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ अकाउंट मैनेजर, नो रिप्लाई फ्रॉम योर टीम। मिस्टर शुभम चौधरी, इफ यू हैव ऑलरेडी रेज्ड अ टिकट, प्लीज शेयर द टिकट आईडी विथ मी सो दैट आई कैन टेक इट अप। रिदम डिंगरा, योर क्वेश्चन इज, इफ माई फर्म टाइप इज सोल प्रोप्राइटरशिप, डू आई नीड अ बैंक अकाउंट ऑन माई फर्म नेम? कैन आई यूज सेविंग? यू कैन यूज द सेविंग बैंक अकाउंट रिदम।
Sayan Mondal, only your signature will work. Raksha Jain, you will have to raise a ticket with seller support team. They will assign you a person who can solve your issue. Mr. Sagar, I have already answered this question. Mr. Shubham Chaudhary, we cannot call you back on the given number. I would recommend you to raise a ticket with seller support team. Mr. Devendra Dixit, you will have to raise a ticket with seller support. Mr. Danish, for GSTN number, you will have to go to GSTN portal and check there. And for payment process, you will receive the payment from Flipkart. Customer makes payment to Flipkart, Flipkart makes payment to you. Suvadeep Ghosh, you can check Flipkart's commission percentage on rate card section on payments tab. Mr. Mohammed Rafat Mahmood, the verification that is pending is because our team is already working on verifying the same. Don't worry, team will get in touch with you regarding the same. Deepti Agarwal, ji, bilkul aap mobile se bhi product list karke usse sell kar sakte hain. But invoice wagera print out karne ke liye, label print karne ke liye, aapko ek laptop ya computer ki zarurat padegi. Mr. Ajay Rajput, I have already answered your question. Mr. Prashant Rathor, please understand shipping charges depends upon if the purchase customer is from your local area, zonal area, or they are purchasing on national level. Depending on that and your product category, the shipping charges differs. Since there are thousands of product categories, it is not possible for us to explain what will be the exact shipping charge for you. What we have done is we have created a rate card where you can go and check yourself what will be the shipping charges. Charu Hajela, there is no charges for registration. It's absolutely free. Vanita Tandoor, for label and invoice, you will have to take a printout from your system. You will, once you receive an order, you will get a option to generate a label. And along with label, your invoice will also be downloaded.
Mr. Pramod S, please reach out to our seller support team. Sure, Mr. Sayan Mundal, until and unless you submit the trademark registration, it will be tricky for you to launch your brand on Flipkart. What you can do is you can list your product as an unbranded product for now and later submit the trademark certification. That's the only option that you have as of now. जी दीप्ति, आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। ओपो A5, वी डू नॉट रेकमेंड एनीवन टू सेल अ डुप्लीकेट प्रोडक्ट। आई वुड रेकमेंड यू टू प्लीज रीच आउट टू सेलर सपोर्ट टीम रिगार्डिंग द प्रोडक्ट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। Mr. Suraj, I have already answered your question. Pooja Bharti, the reference that you need is of rate card. We will give you access of rate card once you onboard as a seller on Flipkart. रेडमी जो गवर्नमेंट के हिसाब से टैक्स है वो ही लगते हैं, उसमें कुछ एडिशनल नहीं लगता। जो कमीशन चार्जेस होते हैं वो आप रेट कार्ड पर जाकर चेक कर सकते हैं। Next question is by Mr. Danish. In how many days selling amount will be credited in seller account? Very good question, Mr. Danish. So once you onboard as a seller, your seller status on Flipkart will be of bronze level. So there are three levels of seller: bronze, silver, and gold. So for bronze level seller, the payment cycle is every 15 days excluding Sundays. For silver level seller, it is every 10 days excluding Sundays. And for gold level seller, it is every 7 days excluding Sundays. So that will be your payment cycle. Mr. Pramod, your question is there in boost ads for our products?
Sir, you will have to advert if you want to advertise your products, you will have to decide your budget and then go ahead and advertise your product. It's a paid advertisement service. Rhythm Dingra, don't worry, I'll be sending the recording of the session to everyone on your registered email IDs. Vanita Tandoor, you can directly go ahead and create your own brand name and add non-branded items. Jyoti Thapa, trademark तभी जरूरी है जब आप अपने सेल्फ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट सेल करना चाहेंगे. मिस्टर अजय राजपूत, यस यू कैन चेंज योर पिकअप एड्रेस. मिस्टर राणा विशाल, इफ यू आर अ सोल प्रोप्राइटर देन यू कैन शेयर योर सेविंग बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑल्सो, अदरवाइज इफ यू हैव एनी अदर बिजनेस टाइप देन गेट अ करेंट अकाउंट. मिस्टर राज रायानी, आई एम नॉट श्योर वेयर योर लिस्टिंग इज स्टक. आई वुड रेकमेंड यू टू शेयर योर SKU IDs विद सेलर सपोर्ट टीम सो दैट दे कैन गिव यू अ क्लियर गाइडेंस रिगार्डिंग द सेम. पूजा भारती, यस वी डू हैव अ फ्लिपकार्ट वेयर हाउसिंग सर्विस कॉल्ड फुलफिल बाय फ्लिपकार्ट. You can go ahead and apply for that after onboarding on Flipkart. But there are certain criteria. If you fulfill those criteria, then only you'll be able to onboard on Flipkart warehousing service. Shubham Chaudhary, for whatever reason QC has failed your listing, please rectify that error. And then you can reapply for the same. Prajakta Joshi, there is no charges for onboarding process. Oppo A5, for non-branded product, no authorization or approval is required. Dear attendees, unfortunately, I had a small power cut in between and it took me a few minutes to re-log into this session, so apologies. Mr. Danish, your question is a little unclear to me. Do I have to be online for any query from for the product which will be listed in Flip? Yes, all your queries will be resolved online only. Anusha VK, again, for listing information, you will have to reach out to a seller support team. Dear attendees, unfortunately, I got logged out of the session due to power cut at my place and I have lost all the questions.
So unfortunately, I'm not in a position to see any questions that were posted earlier. However, as I saw earlier, most of the questions were repetitive, and questions related to listing is something that we are not going to cover in this platform. So I will recommend you to please reach out to seller support team regarding the same. Anonymous attendee, your question is, what is B2B platform? It is business to business platform, not business to customer. Mr. Danish, you will get a notification once you receive the order. You can keep checking our tab on the notifications that you receive. पूजा भारती, आपका क्वेश्चन है, क्या मैं दूसरे प्लेटफॉर्म और फ्लिपकार्ट दोनों में सेल कर सकती हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम और डू आई नीड टू इन्फॉर्म? नो, यू कैन गो अहेड एंड पोस्ट ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स आल्सो अलोंग विद फ्लिपकार्ट. देयर इज नो इश्यू एट ऑल. Mohammed Irfan, your question is, a trademark registration required to sell any product under the company's name? So if it is your self-manufactured product, then you need to submit a trademark certification. If it is somebody else's branded product, then you need to take a brand authorization from them. If it is an unbranded product, then you can directly sell it. Redmi, your question is, जो return customers की वजह से आया बिना हमारे defect के, उसमें क्या policy है? अगर आपका product एकदम intact है तो कोई policy नहीं है. अगर आपका product damage किया गया है customer द्वारा या transit में, तो उसके लिए एक seller protection fund नाम की policy होती है, आप उसके लिए apply कर सकते हैं. संतोष कुमार जी, आपका सवाल है, क्या मैं किराना का सामान बेच सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप Flipkart supermarket में सेल कर सकते हैं. Mr. Shubham Chaudhary, thank you very much for sharing the details. Mr. Taraknath Saha, I've already explained what details are required. Please follow the process as per the session that I've explained. And you will have to raise a ticket to reach out to our seller support team. Poco Phone F1, your question is, I want to sell my optical products like sunglasses, contact lenses, spectacles. You can do that. Sayan Mundal, your question is, documents required for private brand listing on Flipkart? Again, I've already explained this question multiple times. Pooja Bharti, can I change my address online if Flipkart, instead of going to any Flipkart branch or support? You can directly do it online. Kalpana Chatur, your question is there any app where I can manage my account on phone? Yes, Kalpana, there is Flipkart Seller Hub. You can download it on your phone. Poco, I've already replied. Devendra Dikshit, your question is, I go for registration but shows PAN card number already registered. So if you have already tried it, Mr. Devendra, that is why you're facing this issue. Please raise a ticket with seller support and they will help you regarding the same. Anonymous attendee, your question is, can I use personal current account to sole proprietor? Yes. Santosh Kumar, thank you very much. I'm really glad I was able to answer your question. Mr. Taraknath, don't worry, you'll be receiving the recording of this session. Galaxy A51, I've already answered your question. Mr. Taraknath Saha, I would request you to do not copy paste the same question again and again. I will be sending you the recording of this session on your registered email ID. Mohammed Rahat Mahmood, your question is, how to get Flipkart fulfillment service? First, you will have to onboard as a seller on Flipkart. You will have to fulfill a certain, start selling on Flipkart, fulfill certain criteria, then you can onboard. Yes, Mr. Taraknath, you will receive the recording. Galaxy A5, I have already answered your question. Okay. We, dear attendees, we have already exceeded the time limit of today's session by 7 minutes. We'll have to wrap up the session for now.
request you to please follow the recording of today's session. Sayan Mondal, yes, the return courier charges is something that you'll have to bear. Mr. Taraknath, you'll get it maximum by tomorrow. The system generates the recording and it will be sent to you. Redmi, thank you very much. Everyone will be sent the recording. Pooja Bharti, depend karta hai aap apne product ko kis tarah se uski visibility badhate hain, us pe depend karta hai aapko product kaise milega. Order kaise milega. Mohammed Irfan, if your company has trademark registration, then why do you want to sell under non-branded product? I do not understand your question. Okay, so we'll have to end up the session now. Before ending the session, I would like to take a small feedback from you and understand how was your webinar experience today? Was it helpful to you? I've sent you a poll. I would request all the attendees to please address the poll and share your feedback with us. Thank you very much, Mr. Suraj Narayan. Requesting all the attendees to please address the poll and share your feedback with us. Dear attendees, the poll is visible on your screen. I request you to please address the poll and share your feedback. Galaxy A5, yes, zaruri hai electronics ke liye bhi GST number. Mr. Tarak Saha, I have mentioned, I will be sending the recording to everyone. Don't worry. Pooja Bharti, thank you very much. Requesting all attendees to please share your feedback. Kalpana Chatur, shipping will be handled by Flipkart. We have our own logistic team. Galaxy A5, aapko registration karani hogi GST ki. Thank you very much, everyone. I'm really glad you all were able to join today's webinar. Unfortunately, I have to wrap up the session for now. We wish to see you all again soon. Thank you very much for your time and support. And please complete your onboarding process. Thank you very much. Have a great day ahead.